आ जाओ दोस्तों, तुहानू करतूत खवानी कुछ लोगों की, कित्थों तक जिहड़े ये लोग कित्थों तक गिर सकदे लोग इह जिहड़े हुंदे ना। एक मिनट थोड़ा इत्थे लाइट नहीं सही हैगी, हुण थोड़ा लाइट सही करन दिओ, मैं तुहानू कुछ दिखा रहा। एक मिनट वास्ते थोड़ा लाइव च रहिओ मेरा वीर, ऐसे ही दोस्तों। मैं तुहानू ना औकात तो खोल के कुछ लोगों की, जिहड़े तुहाडे नाल सीधा लड़ नहीं ना सकते, जिहड़े तुहाडे नाल सीधा लड़ नहीं सकते वह फिर की करते आ। मैनू एक सज्जन ने, दो मेरे वीर भरा एक फोटो भेजी है मैनू, वो फोटो की है मैं तो फोटो दिखाना। मैं वो पी पी सुखविंदर सिंह मेरा मतलब जिहड़ा है भाई, फेक अकाउंट बनाया जां एडिट कीती की कीता पता नहीं उस बारे मैनू। तो मैंने कई वीर ने भेजी एक फोटो उसके उपर अंगरेटे की, आ देखो तुम शायद तुम पुट्ठा दिसदा होना, ये तुम पुट्ठा दिसदा होगा तो मैं बोल के दस नहीं सकता, क्योंकि जो बोलिया थे तो लोगों ने उन्नी चीज़ चक लेनी की बोलिया सुखविंदर सिंह। रंगरेटे की फोटो ला के जो तुम पढ़ सकते, पुट्ठा लिखे पढ़ सकते तो पढ़ सकते हो। मतलब मेरी शायद इधरों सही दिस पे यार, एक मिनट ठहरे सॉरी, हाँ आ पढ़ो तुम ए देखो ध्यान नाल। ये दोस्तों पढ़े हुए देखो की लिखा हुआ, ये किसी ने मेरी जां दा फेक आई डी बनाई और जां ये एडिट की हुई है, ठीक है। मतलब इन्ने लोग गिर चुके हैं कि जदों तुहाडे नाल सीधा कोई नहीं लड़ सकता, खड़ने नाल सामने खड़ने की हिम्मत ना हो, ताकत ना हो, फिर कम होंगे। गुरदेव सिंह रंगरेटे की फोटो लाई है और थले एक बहुत ही घटिया जातिवाचक शब्द एक लिखा होया, जात नूं टारगेट किया होया। मैं तुम बोल नहीं सकता, तुम पढ़ ही लिया होना, मैं एक फिर दोबारा दिखा दूंगा। मतलब इन्ने घटिया लोग आए दोस्तों, जहाँ तक फेक आई डी बनाई बारे मैं नहीं पता, फेक आई डी क्यों, मेरे को सिर्फ स्क्रीनशॉट आया, यह स्क्रीनशॉट मेरे को आया, मैं तुहानू तां दिखाया क्योंकि अपना सोशल मीडिया जमाना, तो इत्थे बहुत लोग आ जिहड़े इहो जिहे फेक आईडियां बना के जां फेक कुछ बना के तो बदनाम करते लोगों को, ठीक है ना। मतलब कि फिर जो मेरे वीर आए आ उन्होंने मैं दिखाउंदा एक फिर, तुसीं देखियो जे कि आ देखो ये तुसीं उपर जिहड़ी लाइन लिखी वह पढ़ के देखो की लिखिया होया, ध्यान ना पढ़ो की लिखा। और ये मैं स्क्रीनशॉट आया कि मेरे वीर को, दो तीन वीर मैं फोटो फोन भी आए, कहते भाई तुम फिक्र ना करो जी, सानू पता फेक है। मतलब ये हालात आ लोगों के, ये सोच आ लोगों की, पतंदरों जो हिम्मत है कि सीधा धर्मकोट मेरा शहर सीधा के हिक चो आज मेरे है आ जन उन्होंने काम क्यों करते, उन्होंने काम ही होर की है, फेक आइडिया बना लिया जो फोटो एडिट करती बदनाम करने वास्ते। किन्ना घटिया, किन्ना घटिया शब्द, किन्ना घटिया जो वर्ड लिखे हुए है एक जाति वास्ते, लानत है जो लोगों के जिहड़े ने भी लिखे है। मैं लगता नहीं बंदा वो अपने असल प्यो का होगा, ये लफ्ज़ वरत रहा नहीं मैं, पर एक करतूत इस तरह की है, जिन्हें करतूत की है वो करतूत इस तरह की है, ठीक है दोस्तों। बहुत लंबा लाइव नहीं करना, मैं सिर्फ दिखाना सीगा तुहानू कि किस तरह ये लोग शेयर कर दोस्तों, ताकि सज्जन तक पहुँच वे कि सच्चाई की है, ये जो स्क्रीनशॉट है ये सच्चाई की है। लानती लोग आ, घटिया लोग आ। तो मैं लाइव जो है लाइव बोल देना, मेरे को भी कहते बाजवे बारे भी नहीं बोलिया, बाजवे का मेरे को वीडियो आई नहीं सी, तो मैं तो मुक्त की गल कल भी कही सी, जिहड़ा किसी धी भैन माड़ा बोलता कोई भी आ, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी मजहब का, वो इंसान ही नहीं, इंसान कहाउण दे लायक नहीं, हो इंसानियत ना तो तक तब्बा है वह इंसान, चाहे वह बाजवा, चाहे गुरिंदर सिंह, चाहे कोई होर आ, जो कोई किसी के धी भैन किसी जाति टारगेट कर, चाहे कोई भी आज, पर अपने सुन के धी भैन माड़ा बोलना तो ना आप बोलना गई। और आ जरा फिर दिखा तुम मैं कृष्ण कुमार जी, आ देखियो करतूतों लोगों दिया, आ देखो करतूतों लोगों दिया,
ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਗੰਦ ਲੋਕ ਕਿੱਡਾ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਕੜਾ ਲੱਭੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹ ਵਰਡ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਵਰਡ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਲਫਜ਼ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸੋ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਹੋਰ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਕ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਆ ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਫੇਰ ਆਏ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਹ ਵਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਮੁੜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆ ਕੁਛ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਠੀਕ ਆ ਪਿਆਰਿਓ।